मोल बिस्तर किस्त तो तुम्हारे ले पास ही नहीं बैठे गाड़ी आ तीन मोल क्या जरूरत नहीं है हमेशा यही हाल है तुम कम से कम 24 एक हफ्ते तो ऐसे हो गए कि कंटिन्यू पास नहीं आ रही भाई कभी नहीं आ रहा है बोल अगर पास डे को है तब नहीं थी इमरजेंसी अगर खराब हो गई अब इमरजेंसी अगर बस निकले गए थे 24 घंटे तीन की बसें खराब हो रही है ना हफ्ते में तीन व चार बार तो बसें खराब हो रही है बात ही वही है तभी तो बस मंगा रहे इनसे पास ऐसे में मंगा नहीं हमने हम कभी आए हम होते ना हम अब हेलो गाइज मैं अत्तर अष्टा वीडियोग्राफर जैसे कि आप देख सकते हो HRTC बस के रोज यही हाल होते हैं जो बस जाती है लोरगोटी चमराड़ा छुपाड़ी के बस की हाल यही होते हैं HRTC जैसे कि आप देख सकते हो बस की देख सकते हो आप ये सारे बस के सवारी है और बस के हाल भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऐसे ऐसे तुम्हारे यही हाल है तुम कम से कम 24 एक हफ्ते तो ऐसे हो गए कि कंटिन्यू बस नहीं आ रही कभी नहीं बस रहा है बोल अगर बस डे को है तब नहीं थी इमरजेंसी अगर खराब हो गई अब इमरजेंसी अगर बस निकले गए थे 24 घंटे तीन की बसें खराब हो रही है ना हफ्ते में तीन व चार बार तो बसें खराब हो रही है बात ही वही है तभी तो बस मंगा रहे इनसे पास ऐसे में मंगा नहीं हमने हम कभी आए हम होते ना हम अब और आप देख सकते हो बस का नंबर देख सकते हो आप HRTC बस की हालात देख सकते हो आप बस की हालात ऐसे ही होते हैं इस बस की हालात और कहीं की बस भी नहीं होती है खराब इधर की होती है जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारी और अभिषेक मलकेटा कुछ बोलना चाहते हैं तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये छुपाड़ी बस है तो ये आधे रास्ते में धोखा देती है तो गाइस जैसे कि आप छुपाड़ी के लिए बस जा रही है तो अभी यहाँ पे हम टिपर पे ये खराब हो चुकी है देख सकते हैं आप और सामने ये सवारी सवारी देख सकते हैं आप आगे देख सकते हैं ये सामने बस है HRTC तो ये हमेशा धोखा दे रही है बस वेट कर रहे हैं देख सकते हैं आप सवारियां वेट कर रहे हैं बाहर दूसरी बस का पर ये बस अभी तक भेज नहीं रहे इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर आज सवारी तो बस के अंदर भी बैठी है और जैसे कि देख सकते हो आप जनता बहुत ही परेशान है अभी दूर की सवारियां बहुत ही परेशान है तो जैसे कि देख सकते हो आप नई बस बुला ली है रोड से अभी अभी बुलाई है ये नई बस और जैसे देख सकते हो आप सवारी बड़ी ही बेचैन और ये हमारी खराब बस